हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे गेंदे की उन्नत खेती, मेरी गोल्ड फार्मिंग। गेंदे की खेती कब और कैसे करना चाहिए, बेस्ट वैरायटी जो कि हाइब्रिड किस्में हों। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कितनी दूरी पर पौधरोपण करना चाहिए और व्यवस्थित तरीके से कैसे आप गेंदे की मेरी गोल्ड फार्मिंग की एडवांस खेती, वैज्ञानिक खेती कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से कैसे आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं, पौधे को कैसे ग्रो कर सकते हैं, स्प्रे खाद और उर्वरक की मात्रा, एरिगेशन फर्टिगेशन के साथ साथ खरपतवार की रोकथाम, उत्पादन लागत, मुनाफा और नेट प्रॉफिट के साथ साथ लाइफ साइकिल। तो इस वीडियो के माध्यम से ए टू जेड संपूर्ण जानकारी डिटेल में शेयर करेंगे, तो वीडियो पर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग। हर एक फसल के लिए टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गेंदे की खेती वैसे तो आप 12 महीने कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो एक्यूरेट और सही टाइम है, क्योंकि आप 12 महीने लगा सकते हैं लेकिन जो मार्केटिंग रेट है वो अच्छे नहीं मिलेंगे, तो इसलिए आपको हम जो टाइमिंग बतला रहे हैं इस टाइमिंग को आप फॉलो कर सकते हैं। बरसात के लिए जुलाई से अगस्त महीने पर आप लगाते हैं तो बेहतरीन बढ़वार देखने के लिए मिलेगी। गर्मियों के लिए आप दिसंबर से जनवरी के मध्य दोस्तों पौधरोपण कर सकते हैं। इन महीने पर पौधरोपण करते हैं और जब हार्वेस्टिंग के लिए फ्लावर तैयार होते हैं तो बाजार भाव मार्केटिंग रेट काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं अन्य मंथ की तुलना पर। भूमि और खेत की तैयारी के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, तो गेंदे की खेती सभी प्रकार की भूमि पर आप खेती कर सकते हैं, लेकिन अच्छा उत्पादन के लिए काली दोमट है, चिकनी दोमट, पीली भूमि और रेतीली दोमट भूमि काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। बस मृदा की पीएच वैल्यू 6 से 7.2 के मध्य होना चाहिए। अब 7.5-8 से अधिक मृदा की पीएच वैल्यू है तो जब आप फार्म प्रिपरेशन करा रहे हों उस समय 50 किलोग्राम जिप्सम का आपको प्रयोग करना चाहिए और उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली जो सॉइल होती है, भूमि खेत होते हैं, वहाँ पर आप मैरी गोल्ड फार्मिंग कर सकते हैं। इसके अलावा खेत की तैयारी नॉर्मल तरीके से 1 से 2 बार, जैसे तोता हल से प्लोविंग, ठीक तरीके से जुताई करा लीजिए, प्लोविंग करा लीजिए, डिस्क हैरो या फिर हैरो की मदद से दोस्तों मिट्टी को ठीक तरीके से भुरभुरी करा लेना चाहिए। मिट्टी भुरभुरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे जब पौधरोपण आप करते हैं तो पौधों का काफ़ी अच्छा विकास होता है। जलवायु के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, तो उष्ण जलवायु के साथ साथ जो समशीतोष्ण जलवायु होती है काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। गेंदे की खेती आप ठंडी के दिनों पर, गर्मियों के दिनों पर और बरसात के दिनों पर खेती कर सकते हैं। इसके लिए जो तापमान है औसत 15 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य जो टेम्परेचर रहता है काफ़ी ज़्यादा अनुकूल माना जाता है, लेकिन 35+ डिग्री सेल्सियस का यदि टेम्परेचर रहता है तो फिर फ्लावरिंग स्टेज पर थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ता है। उन्नतशील किस्मों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, तो जो वेस्ट वैरायटी हैं, जो हाइब्रिड वैरायटी हैं, इंडस सीड्स की जो टेनिस बॉल के नाम से आती है, इसके फ्लावर का रंग येलो होता है। अफ्रीकन मैरी गोल्ड डबल ऑरेंज के नाम से वैरायटी आती है। हाईवेज की रासी सीड्स की जो सुप्रीम येलो मैरी गोल्ड के नाम से आती है। नंबर 4 इंडस सीड्स की ऑरेंज बॉल F1 के नाम से आती है और कलकत्ता मैरी गोल्ड जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ICAR द्वारा जो विकसित वैरायटी की जाती हैं, जैसे पूषा नारंगी है, पूषा बसंती और पूषा बहार जैसी किस्म को भी आप लगा सकते हैं, यह विकसित किस्म होती हैं। प्रति एकड़ प्लांट्स के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, तो 1 एकड़ में आपको 12,000 से 13,000 पौधे लगेंगे। प्रति एकड़ सीड्स के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, तो 1 एकड़ में 12,000 सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और 1,000 सीड्स का जो कीमत होता है प्राइस टेनिस बॉल का, वो 2150 से 2,200 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है टेनिस बॉल वैरायटी की। तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। बेसल डोज के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, जब आप खेत की तैयारी कर रहे हों, पौधरोपण कर रहे हों, हल्की भूमि हो या फिर कम उपजाऊ भूमि हो, तो फिर ऐसी कंडीशन पर 3 से 4 ट्राली गोबर की खाद इस्तेमाल करनी है, 50 किलोग्राम DAP, 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट पाउडर फॉर्म वाली और इसके साथ रिजेंट ZR दानेदार इंसेक्टिसाइड 5 किलोग्राम, इन सभी को मिक्स करना है और जब आप
बेड तैयार कर रहे हो तो बेड के ऊपर दे करके आपको बेड प्रिपरेशन कराना चाहिए। बेड तैयार के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो बेड की जो चौड़ाई आपको रखनी है वो 2.5 फीट, बेड से बेड की दूरी 3 फीट और बेड की ऊंचाई 1 से 1.5 फीट रखनी चाहिए। कुछ इस प्रकार बेड मेकर या फिर बेड ड्राइजर से आपको बेड तैयार करानी चाहिए। मल्चिंग पेपर के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगा लीजिए, 16 mm की आप ड्रिप बिछवा दीजिए। मल्चिंग पेपर में 2 इंची होल्स कर लीजिए कुछ इस प्रकार। नर्सरी तैयार के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो प्लास्टिक प्रोट्रे में नारियल की खाद और बर्मी कंपोस्ट को भर करके एक एक बीजों को ठीक तरीके से भर करके नर्सरी तैयार आपको करनी चाहिए। नर्सरी जब आप तैयार कर रहे हो तो इंसेक्ट की समस्या देखने के लिए मिल सकती है, तो इसके लिए नीम ऑयल और स्टिकी ट्रैप आपको ज़रूर लगानी चाहिए। जब भी आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं दोस्तों तो प्लास्टिक प्रोटरी विधि को ही अपनानी चाहिए। यह सरल, सुगम, आसान और सबसे सस्ती विधि होती है और स्वस्थ नर्सरी तैयार हो जाती है। यदि आप प्लास्टिक प्रोट्रे में नर्सरी तैयार करते हैं तो मात्र 25 से 27 दिनों पर मैरीगोल्ड के प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार आपको तैयारी कराना चाहिए। ग्रीन नेट खींच लीजिए और सुबह शाम आवश्यकता अनुसार आपको सिंचाई करनी चाहिए। प्लांट डिस्टेंस के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 3 से 4 फीट रखनी चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट रखनी चाहिए और 3 इंची गहराई पर आपको पौधरोपण करना चाहिए। प्लांटेशन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो सर्वप्रथम सिंचाई आपको करना है और एक एक पौधे की पौधरोपण आपको करने चाहिए, और जब आप प्लांटेशन कर रहे हों तो शाम टाइम पौधरोपण करना चाहिए। पौधा एकदम सीधा होना चाहिए और उसके बाद ड्रिंचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट ड्रिंचिंग 200 लीटर पानी में आपको लगभग 2 से 3 दिन के आसपास की फसल होती है ट्रांसप्लांट से, तो NPK 19 19 19 1 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रियन फर्टिलाइजर्स 500 ग्राम, 200 लीटर पानी घोल करके प्रति पौधा 50 से 100 ml की दर से आपको ड्रिंचिंग करना चाहिए। सेकेंड ड्रिंचिंग 5 से 6 दिन के आसपास की फसल होती है, कॉपर ऑक्सी क्लोराइड 50% WP 500 ग्राम, NPK 1260 1 किलोग्राम, 200 लीटर पानी घोल करके ड्रिंचिंग करनी चाहिए। यह थी सेकेंड ड्रिंचिंग। इरिगेशन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो सिंचाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्लैट इरिगेशन से 10-10 दिन का अंतर और ड्रिप इरिगेशन से 2-2 दिन का अंतर रख के 2 घंटे सिंचाई कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो वीट कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसके लिए निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट है। फर्स्ट निराई गुड़ाई 45 दिन के आसपास की फसल होती है और सेकंड निराई गुड़ाई 65 से 70 दिन के आसपास की फसल होती है, तो सेकंड निराई गुड़ाई करनी चाहिए। इसके अलावा स्प्रे शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो गेंदे की फसल पर कौन कौन सी बीमारी आती हैं, इनका इलाज उपाय रोकथाम के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कीट प्रबंधन, कौन कौन से कीट आते हैं, इनका उपाय और रोकथाम के बारे में भी समझेंगे। तो प्रमुख रूप से एफिड, जैसिड, थ्रिप्स, सफ़ेद मक्खी, कैटरपिलर, रेड माइट्स, बैक्टीरिया वेल्ट, पाउडरी मिल्ड्यू, लीप माइनर, डंपिंग ऑफ कॉलर रूट, रूट रॉड और मिलीबग के साथ साथ पत्ती धब्बा रोग और सुंडी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़्यादा कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे ना करना पड़े, तो पीला और नीला जो स्टिकी ट्रैप आता है उसको ज़रूर लगाना चाहिए। 5-6 फीट वाली जो ग्रीन नेट आती है खेत के चारों साइड खींच लीजिए। तारबंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि नीलगाय जंगली जानवर परेशान करते हैं। इसके अलावा कटिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट कटिंग 35-40 दिन के आसपास की फसल होती है, तो एक कटिंग यानी शीर्ष नोचन करने से ज़्यादा फटाव आते हैं। अब कुछ किसान भाई टॉप कटिंग नहीं करते हैं, यानी शीर्ष जो नोचन है उसको नहीं अपनाते हैं, वो डायरेक्ट PGR यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का भी स्प्रे कर देते हैं, यानी पौधे की हाइट कंट्रोल हो जाती है और ज़्यादा फुटाव आते हैं, हाइट उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है। तो आप चाहें तो कटिंग भी कर सकते हैं, जो टॉप सीड्स हैं उनको कट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा फुटाव आते हैं। जैसे आप चने की कटिंग करते हैं उस हिसाब से आप गेंदे की भी कटिंग कर सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं बीमारी और रोकथाम के ऊपर, जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं। इस हिसाब से कंट्रोल आप कर सकते हैं, जो डोज बतलाएंगे 15 लीटर की दर से बतलाएंगे। तो रेड माइट्स का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, तो दोनों में कोई एक दवाई को आप स्प्रे कर सकते हैं। पाउडरी मिल्ड्यूट के लिए इन दोनों कॉम्बिनेशन में कोई एक कॉम्बिनेशन, एफिड जैसिड थ्रिप्स का प्रकोप है दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन पर इमीडा क्लोरप्रेड 70.8% या फिर UPL की लांसर गोल्ड, दोनों में से कोई एक 15 लीटर की दर से मिक्स करके स्प्रे कर दीजिए। कटर पिलर या फिर सुंडी का प्रकोप हमारी फसल पर होता है, तो एम्पलिगो सिजेंटा कंपनी की 10 ml या फिर अदामा की फिलेथोरा 30 ml, दोनों में से कोई एक का स्प्रे कर सकते हैं। रूट रॉट की समस्या है, आद्र गलन की समस्या यानी एंथ्रेक्नोज, पत्ती धब्बा रोग यानी लीफ स्पॉट की समस्या है, तो इन फंगीसाइड में से कोई एक फंगीसाइड का भी आप स्प्रे करेंगे तो कंट्रोल हो जाएगा। बढ़वा, कभी कभी आपने देखा होगा कि पौधे की बढ़वा ठीक तरीके से नहीं होती है, तो कृषि रसायन की पोषक सुपर आप 30 ml 15 लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा फूलों की संख्या बढ़ानी है तो लिहोसिन 20 ml या फिर घरड़ा की चमत्कार, जब फ्लावरिंग स्टेज पर हमारी फसल होती है तो लिहोसिन या फिर चमत्कार दोनों में से कोई एक का स्प्रे कर दीजिए 15 लीटर की दर से। सफ़ेद मक्खी यानी व्हाइट फ्लाई का भी प्रकोप देखने के लिए मिलता है, तो ऐसे कंडीशन पर इन दोनों में से कोई एक कीटनाशक का यदि आप स्प्रे करते हैं तो कंट्रोल हो जाएगी। और सफ़ेद मक्खी के लिए पीला ट्रैप भी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं बिल्ट, तो बिल्ट के लिए ट्राइकोडर्मा 500 ग्राम गन्ने का गुड़ 3 kg 200 लीटर पानी घोल करके ड्रेंचिंग करना चाहिए। प्रिवेंटिव में बायर कंपनी की एलेट आती है या फिर रोको फंगीसाइड आती है, एलेट या फिर रोको फंगीसाइड दोनों में से कोई एक है। 500 ग्राम 200 लीटर पानी घोल करके भी आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। फर्टिगेशन शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, खाद का शेड्यूल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे, न्यूट्रिएंट की डिफिशेंसी होती है तो उत्पादन घट जाएगा, इसलिए पोषक तत्व युक्त खाद जरूर प्रयोग करें। पैदावार बढ़ाना है, वनस्पतिक बढ़वार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जड़ों का विकास होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पीलापन की समस्या आती है, फूल कम आते हैं और बढ़वार भी एक समस्या है, तो इसके लिए आपको कुछ काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्टिगेशन शेड्यूल में जो फर्स्ट खाद है, यदि आप साधारण तरीके से खेती करते हैं तो 25 से 30 दिन के आसपास की फसल होती है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स किसी अच्छी कंपनी का 5 kg, जिंक सल्फेट 33% वाली आती है 5 kg, और इसके साथ यूरिया और उर्वरक खाद 30 kg, इन तीनों को ठीक तरीके से मिक्स करना है और जड़ों के पास, जड़ों से 3 से 4 inch दूर जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। सेकंड खाद 45 से 50 दिन के आसपास की फसल होती है, तो अमोनियम सल्फेट 15 kg, ह्यूमिक एसिड 10 kg, जो दानेदार ग्रेन्यूल्स फॉर्म वाला आता है ह्यूमिक एसिड 10 kg ले लीजिए, बोरॉन 500 ग्राम, V20% वाली, इन तीनों को ठीक तरीके से मिक्स कर लेना है और जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। थर्ड खाद के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, तो 70 से 80 दिन के आसपास की फसल होती है, सागरी का दानेदार 10 kg, अब यह जो सागरी का दानेदार है यह सी वीड एक्सट्रैक्ट है, 10 kg पर्याप्त है। यूरिया खाद 40 kg, इन दोनों को मिक्स करें और जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। पहले निराई गुड़ाई करें, जड़ों के पास खाद दें और फिर सिंचाई करें, बेहतरीन लाभ देखने के लिए मिलेगा। अब जो किसान भाई ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो वे वाटर सेल्युबल फर्टिलाइजर्स को आप छोड़ सकते हैं, जैसे NPK घुलनशील खाद 19-19-19 है, 12-61-0, 17-44-0, 52-34 है, 00-50, 13-0-45 है, इन खादों को आवश्यकता अनुसार 4-4 दिनों के अंतराल पर लगभग 2 kg से लेकर 4 kg के मध्य आपको छोड़ना चाहिए। जिस हिसाब से पोषक तत्वों की कमी रहती है उस हिसाब से आप वाटर सेल्युबल फर्टिलाइजर छोड़िए, और बीच बीच में माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ह्यूमिक एसिड है, अमोनियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, इनका भी प्रयोग करना चाहिए, और ह्यूमिक एसिड से जड़ों का काफ़ी अच्छा विकास होता है। ऑर्गेनिक के लिए वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद का इस्तेमाल करिए, जीव अमृत का इस्तेमाल करिए, और जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स युक्त जो खादें हैं जैसे मुर्गी की खाद है, इनका प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो ऑर्गेनिक तरीके से भी आप गेंदे की खेती कर सकते हैं। अब फर्स्ट हार्वेस्टिंग के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, तो देखिए जो पहली तुड़ाई है
वो जैसे ही पौधरोपण आप करते हैं तो 55 से 60 दिन के आसपास की क्रॉप होती है, तो फूल जो फ्लावर है हार्वेस्टिंग के लिए फसल तैयार हो जाती है। लाइफ साइकिल की ऊपर अगर बात करें तो 100 से 120 दिन यानी 4 महीने के आसपास का समय कम से कम मान लीजिए। लागत की ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 1 एकड़ में 40 से 50 हज़ार रुपये के आसपास लागत लगेगी यदि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो। उत्पादन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 10 से 12 टन के आसपास 1 एकड़ में पैदावार निकलती है, इससे भी ज़्यादा उत्पादन हो सकता है। बाजार भाव के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो यदि जो हमने आपको टाइमिंग बतलाया है दीपावली का समय है या फिर जो तीज त्यौहार का समय है तो नवरात्रि के समय भी काफ़ी फ्लावर की डिमांड रहती है और बाजार भाव भी काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं और हमेशा साल भर फ्लावर की डिमांड बनी रहती है। तो 15 रुपये से लेकर 60 रुपये केजी का रेट देखने के लिए मिलता है, लेकिन जब सीज़न आता है तो कीमतें थोड़ी सी घट जाती हैं, तो इसलिए हमारे किसान भाइयों को 30 रुपये से लेके 60 रुपये 70 रुपये केजी तक का रेट देखने के लिए मिल जाता है। मुनाफा के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो सभी लागत को काटकर आप 1 एकड़ से लगभग 2 लाख रुपए के आसपास कमाई कर सकते हैं। अब जो आमदनी है जो नेट प्रॉफिट है यदि बाज़ार भाव अच्छे मिलते हैं उत्पादन और भी बढ़ता है तो फिर जो आमदनी है वो और भी बढ़ने वाली है। तो कैसे आप गेंदे की खेती कर सकते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से, कौन सी बीमारी आती हैं उनका इलाज उपाय के बारे में डिटेल से समझाया बतलाया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट्स हैं मन में तो कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो को आपने पूरा अंत तक वॉच किया, वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।